तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और कितने टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर तो बेसिकली क्या करता है कि जो इंटीजर होता है या फिर बाइनरी होता है उसके सिंगल बिट्स पे, मीन्स इंडिविजुअल बिट्स पे हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। एंड दोज ऑपरेटर वर्क्स ऑन द इंटीजर एंड कैन बी परफॉर्म ऑन द वेरियस बिट लेवल, जिसके लिए हम लोग को प्रोवाइड होता है। सबसे पहला ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है बिटवाइज एंड, जिसको हम लोग सिंबॉलिक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको आप बोलो बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। दूसरा होता है जो हम लोग देखेंगे वो होता है और, क्या होता है बिटवाइज और। थर्ड जो हम लोग देखेंगे वो होता है एक्सोर, इस तरह से सिंबल होता है बिटवाइज एक्सोर, XOR, है ना। फिर उसके बाद फोर्थ होता है एक और ऑपरेटर जो हम लोग इसमें देखेंगे, वो होता है लेफ्ट शिफ्ट, मीन्स ग्रेटर देन लेस, मतलब टू टाइम्स लेस देन सिंबल, इसको कहते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। फिफ्थ वन होता है टू टाइम्स ग्रेटर देन, जिसको हम लोग बोलते हैं बिट वाइज राइट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट। तो पहला ऑपरेटर हो गया एंड हो गया, फिर और हो गया, फिर एक्सोर हो गया, एंड लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। और एक और ऑपरेटर होता है वो होता है बिटवाइज नॉट, जिसको हम लोग ऐसे सिंबल में प्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है हमारा बिटवाइज नॉट। वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स होते क्या है, कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला है जो सबसे पहला है वो क्या है बिटवाइज एंड, जो सबसे पहला है वो क्या है बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड, जिसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से तो बिटवाइज एंड क्या करता है कि सबसे पहले तो ये बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बिट के बेसिस पे होता है, मतलब सिंगल सिंगल बाइट पे होता है ना। तो सिंगल सिंगल बिट पे जो होता है, तो फिर क्या होता है अगर एंड ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, मीन्स बिटवाइज एंड, तो ये क्या करता है कि दिस विल रिटर्न वन इफ बोथ बिट्स एट द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन आर वन, कि जिसके बीच में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो चाहे वो इंटीजर हो या फिर बाइनरी फॉर्म में हो, तो इंटीजर को भी क्या करता है पाइथन उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर जाके उसके बिट वाइज ऑपरेशन कर परफॉर्म करता है। तो सेम पोजीशन पे अगर दोनों वैल्यू, मतलब अगर दो वैल्यू के बीच में अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेम बिट पे अगर वन वन है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है ए, ए इक्वल्स टू मैं इसमें रखता हूँ, मान लो रखा हमने 5, ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है मीन्स डेसिमल वैल्यू हुआ जिसको हम लोग बेस 10 के फॉर्म में होता है। और एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी, और बी इक्वल्स टू मान लो अपन देते हैं 3, तो 5 का जो बाइनरी फॉर्म होगा, बाइनरी में इसको मतलब 0 1 के फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो 5 का क्या होगा, 5 का होगा 0 1 2
जीरो वन बाइनरी फॉर्म, इन बाइनरी फॉर्म, इन बाइनरी, बाइनरी में क्या होगा इसका, ये होगा। ठीक उसी तरह से अगर थ्री का अगर बाइनरी फॉर्म निकालते हैं तो क्या होगा, जीरो जीरो वन वन इन बाइनरी। तो अगर इसके बीच में हम लोग एंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखते हैं रिजल्ट एंड, तो क्या होगा, अगर मान लो रिजल्ट एंड लिखते हैं और लिखते हैं ए एंड बी, तो ये क्या, ए का वैल्यू क्या है, फाइव, ए का वैल्यू है फाइव और बी का वैल्यू क्या है, थ्री। तो क्योंकि ये बीट वाइज है तो ये क्या करेगा, इस तो ये क्या करेगा, ये फाइव का जो बाइनरी है उसको परफॉर्म करेगा, फाइव का बाइनरी जो है उसको परफॉर्म करेगा। देखो यहां पे मैं लिखता हूं, फाइव का बाइनरी क्या है, जीरो वन जीरो वन, और थ्री का बाइनरी क्या है, जीरो जीरो वन वन। इसके बीच में क्या करेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो एंड ऑपरेशन का क्या बोला है कि अगर वन है, अगर सेम पोजीशन पे वन है दोनों में, तो फिर वो आपको वन रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा, है ना। रिटर्न इफ बोथ बिट्स एट द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन आर वन। तो यहां पे देखो इस पोजिशन पे क्या है, वन है, और इस पोजिशन पे वन, ये दोनों सेम पोजिशन पे है वन वन, तो ये क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। और सेकेंड पोजिशन पे क्या है, जीरो है और वन है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, जीरो। एंड वन एंड जीरो है तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, जीरो, और जीरो जीरो है तो जीरो ही रिटर्न करेगा। मीन्स फाइव एंड थ्री का अगर एंड बिटवाइज एंड करते हैं तो ये क्या हो रहा है, जीरो वन जीरो वन था और जीरो जीरो वन वन था, तो इसका एंड ऑपरेशन हुआ तो क्या परफॉर्म हो गया, ये आया। और इसका अगर डेसिमल वैल्यू देखते हैं तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है, वन, डेसिमल वैल्यू क्या होता है, वन। तो फाइव एंड थ्री का जो हम लोग एंड बिटवाइज एंड करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, और इस वन का बाइनरी क्या होता है, ये होता है। तो इसको एक प्रोग्राम में लिखते हैं फिर इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। चलो तो एक फाइल क्रिएट करते हैं, और मान लो यहाँ मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड इसका नाम देता हूँ मैं बिटवाइज ऑपरेटर, एंड इसके अंदर मैं फिर एक फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम देते हैं जैसे बिटवाइज एंड है ना, बिटवाइज, बिटवाइज डॉट पी वाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले क्या किया, ए इक्वल टू फाइव बी इक्वल टू थ्री। चलो यहाँ पे लिखते हैं, यह है मेरा बिटवाइज एंड, ए इक्वल टू फाइव डी इक्वल टू थ्री। अब जरा इसको करते हैं, इसका कुछ नहीं करते, प्रिंट सिंपल सा करते अभी, प्रिंट यहाँ पे करते हैं बाइनरी ऑफ ए, बाइनरी ऑफ ए क्या हो गया, हम लोग करते हैं बी आई एन ए, बाइनरी ऑफ ए। फिर उसी तरह से बाइनरी ऑफ बी भी निकाल करते हैं, तो प्रिंट करते हैं और बाइनरी ऑफ बी करते हैं, सेव करते हैं और इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। इसको क्या करते हैं कि रन करते हैं, तो रन करने के लिए पाइथन, और इस फाइल को हमने रखा है ऑपरेटर्स के अंदर में बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में, इस फाइल का नाम रखा है बिटवाइज पीवाई। तो देखो क्या आया, ए का क्या आया, वन जीरो वन, इसके आगे जीरो भी लिखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव बाइनरी नंबर है, पॉजिटिव
और ये बी लिखा मीन्स बाइनरी, इसका क्या आया 101, है ना। और नेक्स्ट है थ्री, तो थ्री का क्या आया 0B11, मीन्स ये इसका आया 11। तो इसी को चले मान लो, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा था, यहाँ मैंने 4 बीट्स में लिखा था, उन्होंने 3 बीट में रिटर्न किया, तो चलो 3 बीट में भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो आउटपुट आया है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या आया है, आया है 0B101। ए का क्या आया है 0B101, और थ्री का क्या है B11। तो देखो ये क्या, ये प्रेजेंट कर रहा है बी की, ये हमारा क्या है बाइनरी फॉर्म है ना, यहाँ बी है इसका मतलब ये बाइनरी फॉर्म है, लेकिन ये मेरा 3 बीट में है, ये 2 बीट में है, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, इसको 3 बीट में है तो इसको भी 3 बीट में कर देते हैं। 3 बीट में करने के लिए आप लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो देना चाहे वो दे सकते हैं ना, 30 बिट सिस्टम 30 बिट के अकॉर्डिंग टू, और 64 बिट्स है तो उसके अकॉर्डिंग टू ये सिस्टम में स्टोर करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 3 3 कर दिया, तो अब अगर मान लो इसके साथ एंड करते हैं, ठीक है इसके साथ एंड करते हैं, तो क्या कहता है कि अगर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे 1 1 है तो क्या होगा 1 होगा, नहीं तो 0 होगा, तो ये आता है। अब चलते हैं प्रोग्राम में, और यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट और मैसेज देते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ए एंड बी का मैं देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं ए एंड बी, ए एंड बी कर देते हैं। अब जरा इसको ये करते हैं और इसको क्या करते हैं रन करते हैं, सिंपल सा है। तो देखो ये आया ये, और इसका वैल्यू क्या आया 1, ये किस में आया 1 आया डेसिमल में, लेकिन अपना क्या है कि क्योंकि वो कन्वर्जन करता है बाइनरी में तो बाइनरी में देखते, तो यहाँ पे क्या, जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो समय ये क्या आया था 001, तो 001 ये क्या हुआ, ये तो बाइनरी में हुआ, 001 क्या हुआ, ये पार्ट जो हुआ ये किस में हो बाइनरी फॉर्म में है ना। इसका अगर डेसिमल में करेंगे तो इसका डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो हमारा आउटपुट यहाँ क्या आया 1 आया। लेकिन चलो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर मान लो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा वैल्यू था ना इसको एक वेरिएबल में एड असाइन करते हैं, जैसे मान लो रिजल्ट और एंड इक्वल्स टू ये किया, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ इसको, है ना। अब ये कर देता हूँ, ये कर दिया, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा और इसको ये करता हूँ, स्ट्रिंग में लेते हैं और यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं एस कर्ली ब्रेसेस में डाल देते हैं, स्पेशल स्ट्रिंग हो गया है ना, रिजल्ट एंड जो है वो रिजल्ट एंड यहाँ से निकाल देगा, और जिसका मान लो बाइनरी फॉर्म है ना विच या हुज बाइनरी इज, जिसका बाइनरी क्या है उसका बाइनरी होगा मान लो कर्ली ब्रेसेस में देते हैं बिन, बिन फॉर बाइनरी हम लोग उसको उसका बाइनरी चेक करने के लिए करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं रिजल्ट अंडरस्कोर एंड, क्या क्या बाइनरी में पास किया हमने, क्या कर दिया रिजल्ट अंडरस्कोर एंड। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर देखो क्या आता है, इसको रन करते हैं एंड देखो क्या आया 0101 मीन्स 5 का था, एंड बी जो हमारा B10B11 था, और रिजल्ट में क्या आया 1 आया, हुज बाइनरी इज B1, B1 मतलब ये 0B1 आया, तो इसको हम लोग अगर 3 बिट्स में लिखेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे अगर लिखना है तो क्योंकि वो 3 बिट में है, तो 3 बिट में है तो फिर हम लोग इसको अगर मान लो अगर यहाँ पे लिखते हैं तो क्योंकि वो ऐसे लिखा हुआ है ना कि 0
जीरो बी वन, तो ये तो बाइनरी फॉर्म पॉजिटिव नंबर के लिए, ये मेरा नंबर उसका बाइनरी फॉर्म है, तो ये वन है, तो वन है तो वन लिखा, और 3 बिट में लिखा तो आगे में हम लोग जीरो दे सकते हैं, तो क्या आया, ये वन आया, तो ये आया जो हमने बताया था ऊपर। तो इस तरह से हमारा एंड ऑपरेटर वर्क करता है। अब आते हैं हम लोग बिट वाइज और पे, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बिट वाइज और। तो बिट वाइज और जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जो बिट वाइज और होता है वो पाइप फिल्टर साइन होता है, जिसको हम लोग, आप बोलो बिट वाइज और। इसमें क्या होता है कि दिस विल रिटर्न वन आइदर ऑफ द बिट एट द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन इज वन, कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे कोई भी एक वैल्यू अगर वन है तो वो क्या रिटर्न करेगा, आपको वन रिटर्न करेगा, अदरवाइज जीरो रिटर्न करेगा। एंड के केस में क्या था कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे वन होना चाहिए, है ना, लेकिन दोनों में वन होना चाहिए, लेकिन इसके केस में और के केस में क्या है, किसी एक पोजिशन पे भी अगर वन है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे वन है, तो वो क्या करेगा, वन रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ए इक्वल टू क्या लिया था, फाइव, ए इक्वल टू क्या लिया था, फाइव लिया था, एंड बी इक्वल टू हमने क्या लिया था, थ्री लिया था, तो ए का बाइनरी क्या हुआ, फाइव का बाइनरी क्या लिखा था, 101, थ्री, थ्री का बाइनरी क्या लिखा था, 011। अब क्या कहता है ये, इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या और ऑपरेशन, मीन्स और का सिंबल दिया, तो इस दोनों के बीच में जब और होगा तो क्या कहता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे दोनों में से किसी एक पोजिशन पे भी अगर वन है तो वो वन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, वन, यहाँ जीरो है लेकिन यहाँ क्या है, वन, तो भी क्या रिटर्न करेगा, वन, यहाँ क्या है, वन है, यहाँ क्या है, जीरो है, तो फिर भी क्या रिटर्न करेगा, वन, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे वन है इसलिए क्या रिटर्न करेगा, ये वन रिटर्न करेगा, तो मेरा ये आया। तो इसका और करने पे क्या है, ये वन किसका होता है, ये होता है 1 2 4, मीन्स ये किसका होता है, सेवन का, मीन्स अगर इसका डेसिमल निकालेंगे तो ये क्या होगा, सेवन होगा। चलो अब इस और का हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं कि सेम रहने देते हैं, फाइव ऑफ ऑल कुछ नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ एंड है, तो अब मैं क्या करता हूँ और कर देता हूँ, और का पाइप फिल्टर जो कीबोर्ड में साइन होता है वो यूज करते हैं, रिजल्ट और यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिजल्ट और, ये भी मैं चेंज करता हूँ, रिजल्ट और बाइनरी ऑफ रिजल्ट और, सिंपल सा है, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, सेम नंबर है, अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, और में भी यूज कर रहे हैं, तो वापस से इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए क्या आया, ये तो पहले मेरा एंड का था, रिजल्ट और में क्या आया, सेवन आया, हुज बाइनरी इज 0B, मीन्स फॉर बाइनरी है पॉजिटिव, 111। तो ये हुआ मेरा बिट वाइज और। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बिट वाइज नॉट, ये बिट वाइज एग्जॉर देखते हैं पहले, है ना, बिट वाइज एग्जॉर, तो थर्ड वन है बिट वाइज एग्जॉर, है ना, एग्स और। इसके केस में क्या होता है कि ये वन रिटर्न करेगा, ये वन रिटर्न करेगा ओनली इन केस व्हेन द बिट्स एट द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन आर डिफरेंट, मतलब कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे जो ऑपरेटर जो बिट्स होंगे अगर वो दोनों डिफरेंट है तो उस केस में ये वन रिटर्न करेगा। जैसे
सेम देखते हैं हम लोग, कुछ वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। ए इक्वल्स टू मेरा क्या था 5 एंड बी इक्वल्स टू 3। 5 का बाइनरी जो था 101 एंड 3 का बाइनरी जो था 011। अब इसका अगर मैं एग्जॉर करता हूँ ना, एग्जॉर, तो ये क्या कहता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे जो बिट्स है वो वैल्यू अगर डिफरेंट है तो वो रिटर्न करेगा 1। जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्या 1 है, फर्स्ट पोजिशन पे क्या 1 है और यहां भी क्या 1 है, दोनों तो सेम हो गया, तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। यहां देखो, यहां 0 है, यहां क्या है 1 है, तो डिफरेंट हो गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1। फिर यहां देखो, ये क्या 1 है और ये क्या है 0 है, तो डिफरेंट हो गया, तो इस केस में फिर क्या रिटर्न करेगा ये 1। तो एग्जॉर क्या करता है, एग्जॉर विल रिटर्न 1 इफ द बिट्स एट द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन आर डिफरेंट। ठीक है, एंड के केस में क्या था कि अगर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे अगर 1 है तो वो 1 रिटर्न करता था, और के केस में क्या हो गया कि अगर किसी भी पोजिशन पे, अगर दोनों में से किसी पोजिशन पे 1 है तो वो 1 रिटर्न करता था। एग्जॉर का केस एकदम अपोजिट, अगर डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट बिट्स है एट द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन, तो वो आपको 1 रिटर्न करेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा 0, इसके केस में 1 1 0। ये किसका होता है, ये होता है 6 का। कैसे करते हैं, ये होता है 1 2 4, तो ये, तो ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 + 2 ये क्या हो जाएगा 6, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 6। चलो सेम चीज करते हैं, जो प्रोग्राम मेरा था उसी प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड इसमें क्या करते हैं सेम चीज कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे और तरह का टेक्स्ट में चेंज करके एग्जॉर करता हूँ, और एग्जॉर के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, एग्जॉर बाइनरी ऑफ एग्जॉर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सिंपल सेव एंड रन। तो देखो सेव एंड रन किया, फिर यहाँ पे क्या आया देखिए, वो यहाँ तक था एग्जॉर, एग्जॉर मैंने यहाँ पे और लिख दिया है, इसको थोड़ा चेंज कर देते, इसको भी कर देते हैं एग्जॉर, है ना। तो वो मैसेज वापस से इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, क्या आया, हुज बाइनरी इज 101 और वैल्यू क्या आया 6 आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये यूज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 6 ही आएगा। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा लेफ्ट शिफ्ट है और फिर उसके बाद हमारा राइट शिफ्ट है, तो लेफ्ट शिफ्ट में देखते हैं, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, बिट वाइज, वो क्या है मेरा बिट वाइज लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट है ना, जिसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। तो ये क्या करता है कि देखो, नाम से ही लग रहा है, लेफ्ट शिफ्ट मींस जो मेरा बिट्स होगा ना उसको क्या करेगा, ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा, है ना, ये क्या करेगा लेफ्ट शिफ्ट करेगा, मींस जो भी बिट्स होगा, दिस विल शिफ्ट द बिट टू द लेफ्ट, है ना, और राइट में फिर क्या करेगा, वो 0 ऐड करेगा। देखो कैसे, जैसे मान लो, जैसे मेरा ए था, है ना, ए था, तो ए इक्वल्स टू क्या था, ए इक्वल्स टू 5 था। अब मान लो मैं करता हूं बी, या एक वेरिएबल मैं अलग से लेता हूं, इसको कहता हूं सी, है ना, सी इक्वल टू
ए और लेफ्ट शिफ्ट वन करते हैं, अभी वन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारा बिट्स होगा उसको क्या करेगा, ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा। कैसे वो देखो, फाइव का क्या था, फाइव का मेरा था 0101, ये फाइव का बाइनरी है, 3 डिजिट या 4 बिट्स में लिखते हैं, है ना। तो अब जैसे ये कह रहा है कि ए ए बिट वाइज जो लेफ्ट शिफ्ट है वन, मीन्स एक शिफ्ट करो, लेफ्ट शिफ्ट है तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। तो इस साइड ये मेरा लेफ्ट हुआ, है ना, ये मेरा राइट हुआ। तो अब जैसे ऐसे समझो कि हम, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है कि बॉक्स बनाते हैं, ये क्या करते हैं बॉक्स बनाते हैं, और यहाँ पे देखो ऐसे कर देते हैं। ये क्या कह रहा है कि वन लेफ्ट शिफ्ट करेगा, वन लेफ्ट शिफ्ट करेगा। तो अब देखिए ये वन यहाँ पे है तो ये शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करके वन को कहाँ लाएगा, लेफ्ट लाएगा। ये यहाँ नहीं आके ये क्या, ये वन आ जाएगा यहाँ, मीन्स वन आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ, और ये आ गया यहाँ, और ये 0 क्या हुआ, आउटसाइड चला गया, मीन्स अब ये 0 खत्म हो गया, है ना, ये यहाँ आ गया। अब राइट साइड में फिर क्या करेंगे, 1 0 कर देंगे। अब ये क्या हो गया, इसका अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, है ना, वन लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये आता है। अगर एक और वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेम है, कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट वन, मतलब वन लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, है ना, ए लेफ्ट शिफ्ट वन, और इसको प्रिंट करते हैं। फिर सेम चीज कर, तो क्या करते हैं वन लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और इसको रन करते हैं, तो 10 आता है, हुज बाइनरी इज 1010। वन ना होके 2 करते हैं, ठीक है। अब इसी को रन करते हैं तो इसका बाइनरी क्या आ गया, 20। चलो होगा, जैसे जो मेरा वैल्यू है उसको 2 शिफ्ट करेंगे, है ना, क्या करेंगे 2 टाइम शिफ्ट करेंगे। जैसे 101 था, है ना, 0 1 था, ये 5 का था, तो इसको क्या करेंगे 2 2 शिफ्ट करेंगे, मतलब 2 शिफ्ट है तो ये 1 शिफ्ट में यहाँ आया था, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, मतलब यहाँ 1 0 1 0, और स्टार्टिंग में जो बिट्स बच गया वहां पे क्या हम लोग देंगे, 2 0 ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, इसका अगर हम लोग निकालेंगे 1 2 4 8 16, यानी ये किसका होगा, 20 होगा। तो इसका जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, 20 आएगा, आया क्या आया, 20 आया 2 टाइम शिफ्ट पे। तो ये लेफ्ट शिफ्ट का केस हुआ। सेम हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा राइट में जाएगा। जैसे प्रोग्राम पे पहले इधर देखते हैं कि अब हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या है, वो राइट शिफ्ट है। तो यहाँ पे क्या करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर का देखते हैं। तो यहाँ पे है मेरा बिट वाइज राइट शिफ्ट, जिसको हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अब ए इक्वल्स टू 5 है, अब यहाँ पे आपने अगर लिख दिया ए, या एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, मान लो सी नाम का एक वेरिएबल लिया, है ना, सी नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें ले सी इक्वल्स टू 5 राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट पहले 1 या 2 ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका वैल्यू क्या है, 0101। अब ये क्या करेगा, ये राइट में शिफ्ट करेगा एंड
लेफ्ट में वैल्यू जीरो ऐड करेगा। देखो ये क्या हो जाएगा, ये टू है तो जीरो यहाँ नहीं आके यहाँ दो बिट छोड़ के यहाँ आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या होगा, दो जीरो आएगा, स्टार्टिंग में जीरो दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसका क्या होगा कि वन जीरो वन, तो 101 किसका आएगा, ये इसका हमारा राइट शिफ्ट करने पे आएगा। अगर मान लो चलो प्रोग्राम में देखते हैं, तो अगर सेम चीज करते हैं हम लोग, इसको कॉपी करते हैं एंड ये लेफ्ट शिफ्ट था, अब मैं इसको राइट शिफ्ट करता हूँ ना, टेक्स्ट चेंज करते हैं राइट शिफ्ट और इसको करते हैं राइट शिफ्ट ठीक है, एंड राइट शिफ्ट टू कर रहा हूँ मैं, तो इसको कर देते हैं टू, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट सेव और इसको रन करते हैं। तो राइट शिफ्ट किया तो क्या आया कि वन आया, जिसका बाइनरी क्या हुआ, वन हुआ। मींस ये राइट शिफ्ट करता है और इस तरह से करके हम लोग का वैल्यू जो आता है वो क्या आता है, राइट शिफ्ट में जो वैल्यू आया वो क्या हो गया, वन हो गया। क्योंकि तो यहाँ पे क्या था, ये जो वैल्यू था ये बॉक्स में, ये वैल्यू कितना आया, तो इसका जब बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो ये क्या होगा, 0 0 0 मीन्स वन, तो इसका सिर्फ डेसिमल क्या आएगा, वन आएगा। ये आउट ऑफ बॉक्स चला गया, यहाँ से ये रिमूव हो गया ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है नॉट, बिट वाइज नॉट। बिटवाइज नॉट क्या करता है कि ये नाम से ही लग रहा है कि नॉट मीन्स अपोजिट, तो अगर जीरो है तो वन करेगा, वन है तो वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जैसे सिंपल सा है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे मेरा फाइव है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट नॉट, रिजल्ट नॉट इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ नॉट ए, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट रिजल्ट ये इक्वल्स टू ये करता हूँ रिजल्ट नॉट ठीक है, एंड हुज बाइनरी इज, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ बिन, जो मतलब बिन में पास कर देते हैं बिन, और यहाँ भी कर देते हैं हुज बाइनरी इज ये, और स्पेशल स्ट्रिंग कर देते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं रन करते हैं। क्या किया मैंने, सिंपल सा कि जो मेरा ए में वैल्यू क्या था, फाइव था, उसको हमने क्या किया नॉट किया, नॉट करके उसको ए में सेव किया। तो ये क्या करता है कि जो नॉट ऑपरेटर है मेरा वो करेगा क्या कि जो भी बिट होगा उसको जीरो जो होगा उसको वन में कर देगा, एंड जो वन होगा उसको क्या करेगा, जीरो में कर देगा ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पे जो होगा उसको बोलते हैं इन्वर्ट द बिट टर्निंग जीरो इंटू वन एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से करके हमारा बिट जो है, बिट वाइज ऑपरेटर यहाँ कंप्लीट होता है ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा एंड, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सॉर एंड बिट वाइज नॉट एंड लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। इसके बाद जब ये सारा ऑपरेटर हो जाता है, इसके बाद एक आता है इसी में, मतलब ये ऑपरेटर जितने हैं इसका प्रेसिडेंस, मतलब कौन सा बिट पहले कॉल होगा, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन दे देता है तो इसमें वो देखना होता है कि सबसे पहले आपका कौन सा बिट पहले एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अगर तो प्रेसिडेंस होता है जो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि जैसे हमारा
प्रेसिडेंस जो ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है, पहले हमारा नॉट का ऑपरेशन होगा, सबसे नॉट मतलब बिट वाइज नॉट जो होता है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद, इसके बाद जो हमारा ऑपरेटर आता है वो होता है लेफ्ट शिफ्ट एंड देन राइट शिफ्ट। फिर इसके बाद होता है जो आपका एंड ऑपरेटर है ना, उसका क्या होता है, एंड ऑपरेटर है वो। एंड फिर उसके बाद जो हमारा होता है एग्जॉर ऑपरेटर होता है, फिर उसके बाद हमारा और ऑपरेटर होता है। लेकिन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो नॉट की होती है, कि पहले नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर देन आफ्टर आपका लेफ्ट या राइट शिफ्ट है तो वो करेगा, फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर, फिर उसके बाद एग्जॉर, फिर लास्ट में सबसे जाता है और। तो इस तरह से हमारा प्रिसिडेंस होता है उसको यूज करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं देता हूँ 101, 101 दिया, ये किसका है, फाइव का है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे जा रहा हूँ प्रेसिडेंस, मतलब मल्टीपल ऑपरेटर लगा के यूज करने की, वो क्या आता है। तो ये देने के बाद सबसे पहले आया नॉट, फिर उसके बाद, या यहाँ पे मैं देता हूँ ये ऑपरेटर एंड दे देता हूँ, यहाँ पे क्या देता हूँ, एंड देता हूँ एंड। फिर उसके बाद मैं कोई एक वैल्यू दे देता हूँ 101, है ना। फिर उसके बाद मान लो और दे देते हैं, और इसके आगे लिख देते हैं कि वापस से 101। तो क्या कहता है, सबसे पहले ये ऑपरेटर है और है ना, ये और है, ये एंड है, दो ऑपरेटर है, तो सबसे पहले किसका इसमें क्या कहता है, ये एंड, तो पहले इस दोनों का एंड करेंगे। तो एंड के केस में क्या कहता है, दोनों पोजीशन पे अगर वन है तो ही वो वैल्यू वन होगा, अदरवाइज क्या होगा, जीरो होगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, वन है, यहाँ क्या है, जीरो है, इसका मतलब क्या आएगा, जीरो आएगा। ये क्या है, जीरो है, सेकेंड पोजिशन पे वन है, इसका मतलब जीरो ही आएगा। अब फर्स्ट पोजिशन पे वन है, फर्स्ट पोजिशन पे इसमें भी वन है, तो वन वन इक्वल टू वन आएगा। और अब ये जो वैल्यू है ये एज इट इज यहाँ आ गया 101। अब और है, और के केस में क्या होता है, अगर किसी भी पोजीशन पे वन है, इट मीन्स वन, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, जीरो है, यहाँ क्या है, वन है, इसका मतलब क्या आएगा, वन, यहाँ क्या है, जीरो है, यहाँ क्या है, जीरो है, इसका मतलब क्या आएगा, जीरो, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो वन है तो वन तो आएगा ही, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 101। चलो इसको अगर मैं एज इट इज इसमें लिखता हूँ, यहाँ पे लिख के देखता हूँ सीधा सा, प्रिंट, और क्या था, 101, 101 एंड 110 और 101, ठीक है। इसको रन करते हैं तो क्या आया, 101, क्या आ गया, 101 आ गया, है ना, क्या आया, 101। तो इस तरह से करके हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, इस तरह से हमारा ऑपरेटर परफॉर्म करता है। इसको उठा के अगर मैं यहाँ एक डाल देता हूँ रिजल्ट में, तो 101 ये ना करके और भी अच्छा, ये क्या, ये 101 किसका था, फाइव का था। रिजल्ट मान लो प्री करते हैं, रिजल्ट प्री, और फाइव, और ये 101 किसका था, ये होता है सिक्स का, और फिर 101 ये क्या है, फाइव। तो यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, अब देखता हूँ क्या आता है, क्या आया, फाइव आया। फाइव क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ क्या आया था आउटपुट, 101, और 101 किसका होता है, 101 फाइव का होता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसका बाइनरी भी प्रिंट करूँ, है ना, अगर मान लो या इसी में लिख देता हूँ ना, इसी में लिख देता हूँ, इसको कर देता हूँ कर्ली ब्रेसेस में, है ना, कर्ली ब्रेसेस में, और यहाँ पे लिख देता हूँ हुज बाइनरी इज
एंड कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिख देता हूँ बिन, एंड क्या है रिजल्ट, रिजल्ट फ्री, क्या कर दिया रिजल्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ स्पेशल स्ट्रिंग। तो क्या किया मैंने, एरर आ रहा है ना, चलो देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से एंड किया, तो ये क्या हुआ कि मैंने दोनों चीज कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्या 5 है, हुज बाइनरी इज B101। तो इस तरह से करके हम लोग का बिट वाइज ऑपरेटर होता है, इस पे आप चाहो तो मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हमारा बिट वाइज ऑपरेटर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर और जो इंपॉर्टेंट है यूज में आता है, तो हम लोग उस ऑपरेटर को देखेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पे हम लोग मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।